A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग प्रयांग, गुड मॉर्निंग तनु, कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया। चलिए, सो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की, ठीक। और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली थी और अकाउंटिंग की डेफिनेशन वगैरह करी है, थ्योरी की बातें करी है। तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो लास्ट टॉपिक रह गया हमारा कि हम लोगों ने एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ी थी। सो लास्ट क्लास में हमने बुक कीपिंग की बात करी थी, ठीक, कि बुक कीपिंग क्या होती है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है, ठीक है, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है। सो बुक कीपिंग के अंदर हमारे पास में दो टास्क आते हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, कि सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है और हमारे को लेजर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स, कि सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं, और डिटरमाइनिंग इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनका एंड रिजल्ट क्या है बेसिकली, कि जैसे कोई भी परचेजेस कितनी है, ठीक है, सेल्स करिए तो टोटल सेल्स कितनी है, और डेटर्स से पेमेंट सेल्स करिए तो डेटर्स का बैलेंस कितना है, ये सारी चीज़ों का फाइनेंशियल इफेक्ट निकालना। फिर डिफरेंसेस देखे थे हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में, कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है और क्लासिफाइंग होती है बुक कीपिंग के अंदर, लेकिन अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। समराइजिंग का काम होता है हमारे पास कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हम अकाउंटिंग में बनाते हैं। फिर जो बुक कीपिंग है वो बेस की तरह काम करती है, कि बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, कि जो भी हमारे को इनपुट चाहिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कौन प्रोवाइड कराता है? बुक कीपिंग से आता है हमारे पास, ठीक। और जो अकाउंटिंग है दैट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, वेयर एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग अलून, वेयर एज डिसीजन मेकिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। फिर इसके बाद में फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, दैट इज बैलेंस शीट, जिससे हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, वो बुक कीपिंग के लेवल पर नहीं प्रिपेयर होती है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करें तो उस लेवल तक हमारी क्या कहते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है, ठीक। फिर हमने ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की बात करी थी, कि हमारे पास ब्रांचेज क्या क्या है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होती है, कि मैनेजमेंट अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करेगा, उसके लिए इंटरनल रिपोर्टिंग होती है, जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर कॉस्ट निकाली जाती है एंड हम सेल प्राइस क्या रखना है गुड्स का या जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उसका, तो वो हमारे पास में कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। फिर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, कि सोसाइटी से हम कुछ ना कुछ चीज़ें ले रहे हैं और कुछ सोसाइटी को हमें देना पड़ेगा, तो वो हमारी क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। गुड मॉर्निंग रिद्धिमा बेटा। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम एम्प्लॉयज़ की अकाउंटिंग करते हैं, कि कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड रहेंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी उनको क्या कहते हैं स्किल्स प्रोवाइड कराने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में, ये सब चीज़ों की अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के एम्बिट में आता है। फिर हमने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी थी, कि यूजर्स दो तरीके से कैटेगराइज करे जा सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो हो गए जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सटर्नल वो हो गए जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक। फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग थी, कुछ ना कुछ कमियां थी। लिमिटेशंस क्या क्या थी? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इग्नोर कर देता है अकाउंटिंग, कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वालिटी प्रोवाइड कराती है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, लेकिन वो कंपनी की या एंटिटी की अकाउंटिंग में कहीं पर भी रिकग्नाइज नहीं हो रही होती है, जैसे कि लॉयल्टी हो गया, स्किल हो गया, ऑनेस्टी हो गई एम्प्लॉयज की। दीज ऑल थिंग्स आर क्या कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इग्नोर कर देती है अकाउंटिंग। फिर बैलेंस शीट जो है वो हमारी खाली बिजनेस की करंट पोजीशन बताती है, फ्यूचरिस्टिक पोजीशन नहीं बताती है। इट इग्नोर्स फैक्टर्स, मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को भी इग्नोर कर देती है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर डिस्क्रिशनरी, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं हम कई जगहों पर, और जहां पर मनमर्जी की बात आ जाती है डिस्क्रिशनरी हो जाता है। एक सेट रूल नहीं है कि कैसे हमको एस्टिमेट्स बनाने हैं, ठीक। मैनेजमेंट अपनी डिस्क्रिशन से, अपने एक्सपीरियंस से क्या कहते हैं एस्टिमेट्स लेता है, तो वो एक और लिमिटेशन होगी। एंड लास्टली विंडो ड्रेसिंग एंड फ्रॉड्स, इसके लिए हम लोगों ने एक केस स्टडी भी डिस्कस करी थी सत्यम वाली, ठीक, याद है सबको। नेक्स्ट, रोल ऑफ अकाउंटेंट्स की हमने बात करी थी, कि सोसाइटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या क्या रोल रहता है। सो क्या क्या काम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट? मतलब ऑडिटिंग करता है, ठीक है। ऑडिट भी हमारे दो तरीके के होते हैं,
एक होता है हमारे पास में स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक होता है इंटरनल ऑडिट, ठीक। फिर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद में टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक। फिर फाइनेंशियल एडवाइजेस देना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, बिजनेस एक्सपेंशन इन्वेस्टिगेशन जिसको हम फॉरेंसिक ऑडिट बोलते हैं, और बाकी शेयर रजिस्ट्रेशन आर्बिट्रेशन कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये सब चीज़ें हमारे डोमेन होते हैं जो कि एक अकाउंटेंट की क्या कहते हैं सोसाइटी में प्रोवाइड कराता है एक अकाउंटेंट। लास्ट टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे दैट इज रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। ये एक थ्योरी का टॉपिक है, ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, बट स्टिल सिंस आपके मॉड्यूल में कवर्ड है तो हम इस टॉपिक को भी कवर करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो देखो अकाउंटिंग एक डिसिप्लिन है, उसी तरीके से और भी अकाउंटिंग ऐसे समझो एक आपका सब्जेक्ट है, उसी तरीके से आपके क्या और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लॉ हो गया, इस तरीके से और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग का इन सब्जेक्ट्स के साथ में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है, कहीं ना कुछ इनका रिलेशनशिप है दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी। तो उनको थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि अगर आपसे थ्योरी में पूछ लिया जाए तो आप दो दो तीन तीन लाइनें हर टॉपिक के बारे में लिख सके। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का क्या कोई रिलेशनशिप है। यस, अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का डेफिनेटली रिलेशनशिप है। अकाउंट्स में बेसिकली देखो अकाउंट्स में सारा का सारा पर्पस क्या है, हमने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तब क्या क्या था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, एक बार रिवाइज कराओ। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। किस लिए कर रहे थे हम ये सारा काम, किसको जानकारी देनी थी, हमने कहा था ना कि रिकॉर्डिंग करने के लेवल पर हमने किसी को जाकर अपनी ये चीजें दिखाई थी, बेटा वो टेस्ट आपके लिए नहीं होगा, मैं एक बार बात कर लूंगा, देख लेता हूं, मैंने देखा नहीं है कौन सा टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी आपका कोई टेस्ट शेड्यूल नहीं है, और वो टेस्ट अगर कोई अपलोड हुआ भी है आप पर तो दैट टेस्ट इज नॉट फॉर यू, अभी सिंस सिलेबस में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि सर अभी वो चैप्टर्स हुए नहीं है, बिल्कुल, तो वो टेस्ट आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं एक बार बात करता हूँ इंस्टीट्यूट में कि कौन से टेस्ट पेपर की आप बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए सो एक बात बताइए, जब हमने रिकॉर्डिंग करी थी तब उस टाइम पर हम किसी को डेटा दिखाने गए थे, तब हमने बात करी थी कि उनका पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा था, तो कौन था, किसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे सारा का सारा काम, हाँ जो बेसिकली कंपनी का डायरेक्टर है या फिर जो ओनर है, ठीक, उनको किस लिए दिखानी थी हमारे को, वो किस लिए मांग रहे थे फाइनेंशियल पोजीशन, उससे क्या करना था उन्हें, क्या डिसीजन मेकिंग करनी थी उन्हें, यस। सो अकाउंटिंग हमारे को इनपुट्स एंड डेटा देता है जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है। भाई एक सिचुएशन सोचो कि अगर ये डेटा ना हो और अगर ये डेटा हो, कब आप सिचुएशन में, कौन से सिचुएशन में आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे, जब आपके पास में ये डेटा अवेलेबल होगा क्या तब एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, यस और नो, यस। सो अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग मेरे को इनपुट या फिर डेटा प्रोवाइड कराती है जो कि मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है फॉर इंप्रूविंग देयर डिसीजन मेकिंग, राइट। अब दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज बनाई जाती हैं जो कि मेरे इस अकाउंटिंग इस डिसीजन मेकिंग के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कराती है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप लोग इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, राइट। अब एक बात समझो, आपने देखा होगा कि कई सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई कंट्रोल करके रखते हैं जानबूझ के, खास तौर से जो लग्जरी ब्रांड्स हैं आप देखते होंगे वॉचेस के, गाड़ियों के, जो सुपर लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ओनली 30 प्रोडक्ट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खाली 30 ही प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आर्टिफिशियली सप्लाई को कर्टेल कर दिया जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं, राइट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्या इस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए किसी ने एक बिजनेस डिसीजन लिया था, यस और नो, यस। तो क्या एक डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप आ गया, यस, कि हाँ हमारे को पता चला कि भाई हमारी तो कॉस्ट इतनी आ रही है, अकाउंटिंग के बेसिस पर हमारे को कॉस्ट पता चल गई, तो देन वी कैन कीप द प्राइजेस एज वी वांट, कि हमने अपने मार्जिन्स ऐड करे 20%, 25, 30, 50, कुछ भी जो भी मैनेजमेंट को ठीक लगा वो प्राइजेस रख के वो बाहर सामान बेच सकती थी, लेकिन एक डेटा तो आ गया हमारे पास। अब दूसरा इकोनॉमिक जो थ्योरीज हैं उन्होंने एक टूल प्रोवाइड करा कि भाई आर्टिफिशियली सप्लाई को कर्टेल कर दो, तो अब क्या इन दोनों चीजों का एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस हुआ, यस बिल्कुल होता है, ठीक है। सो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इनपुट्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स थ्योरीज जो कि टूल्स प्रोवाइड कराते हैं हमारे को डिसीजन मेकिंग करने के लिए। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक, एक बार पढ़ते हैं इसे। सो इकोनॉमिक इज
इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ सैटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग स्केयर्स रिसोर्सेज। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके हमारे को सबकी ज़रूरतें पूरी करनी है। क्या यही पूरा इकोनॉमिक्स का काम है, येस और नो? कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए, ये बात आप लोगों ने स्कूल में डेफिनेशन में पढ़ी भी होगी कि येस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए कि कम से कम प्रोडक्ट में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे निकलेगा। ठीक, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनपुट्स या डेटा दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग इनपुट देता है, डेटा देता है जो कि मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंप्रूव करता है। कह रहा है इकोनॉमिक थ्योरीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग टूल्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। इकोनॉमिक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग टूल्स जो है जिनको यूज करते हैं हम डिसीजन लेने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक्स की थ्योरीज। कि डिमांड एंड सप्लाई, ज्यादा सामान बना दोगे तो प्राइजेस गिर जाएंगे, हमारी डिमांड जो है वो बेसिकली लिमिटेड है, और अगर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो प्राइजेस गिर जाएंगे। अगर आप सप्लाई रोक दोगे तो आपकी प्राइजेस ऊपर चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब कभी भी एप्पल का, अभी रिसेंटली नया एप्पल का फोन लॉन्च हुआ था दिसंबर में या नवंबर के अराउंड, वो नया फोन लॉन्च करते हैं, आपने देखा होगा कि अगले ही दिन यूएसए में वो लाइन लग जाती है इतनी लंबी लंबी स्टोर्स के बाहर। ठीक, क्यों करा जाता है? एक तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फोन्स रखते हैं वो स्टार्टिंग में, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकल रीजन भी हो सकता है कि यस इतने प्रोडक्ट्स बने ही नहीं है अभी, ठीक है, कि जितनी डिमांड हो जाए तो आर्टिफिशियली वो एक तरीका, या और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खुद ही सामान कम बनाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? दिस इज अ वेरी गुड मार्केटिंग टूल भाई। अब एक बात समझो, आपके आपके घर के आसपास एक एप्पल स्टोर है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो, आप देख रहे हो यार इतनी लंबी लाइन लग रही है, ऐसा क्या है यहाँ पर फ्री में बांट रहे हैं क्या? अब आप जब वो चीज इतनी लंबी लाइन देखते हो, डज इट हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन यू? येस इट डज हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बना दो अच्छे खास से, ठीक है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लाइन लगनी बंद हो जाएगी, रीजन बिंग कि हर किसी को फोन मिल जाएगा। अब वहां पर लाइन इसलिए लगती है क्योंकि लिमिटेड 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ही लोगों को मिलना है एंड सब लोगों को अपना बेसिकली शो ऑफ करना है कि येस वी आर द फर्स्ट वंस टू हैव दैट सर्टेन फोन। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, एक मार्केटिंग टूल है। क्या यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स का रोल आया? येस इकोनॉमिक्स का रोल आ गया। सो क्या अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है? यस डेफिनेटली रिलेटेड है। ठीक, तो अकाउंटिंग में बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हर चीज का कुछ ना कुछ रोल रहेगा। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स की मैंने बात करी, जनरल बात करते हैं, अकाउंटिंग और लॉ का भी क्या रिलेशनशिप होगा सोचो और बताओ। क्या अकाउंटिंग और लॉ का रिलेशनशिप होगा? यस डेफिनेटली होगा भाई, लॉ के दायरे में ही तो सारी चीजें हम लोगों ने करनी है, कानून के दायरे में ही तो सारी बातें होनी है। जिस भी एंटिटी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बी इट पार्टनरशिप, बी इट कंपनीज, ठीक है, बी इट LLP, जो भी चीजें हैं, क्या वो एक कानून के दायरे में बन रही हैं? यस। तो जो पार्टनरशिप फर्म्स है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्नड है, कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्नड है, ठीक है, LLP एक्ट 2008 से गवर्नड है। तो हर चीज, हर एंटिटी एक एक्ट के थ्रू बनी है, और उस एक्ट में उस एंटिटी की जो अकाउंटिंग है वो भी एक कानून के दायरे में हो रही है। तो क्या अकाउंटिंग और लॉ का भी रिलेशनशिप हो गया? यस। उसी तरीके से अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स की बात करूं तो क्या रिलेशनशिप होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, कि अकाउंटिंग में हम सर्टेन सर्टेन क्या कहते हैं नंबर्स की क्रंचिंग करते हैं, नंबर्स का रूल सारा का सारा रहता है। और अकाउंटिंग में आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन नाम की एक चीज पढ़ी थी आपने, जहां पर हमने क्या, जहां पर आपने पढ़ा होगा कि इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे भी, बट एक बात देखो, मैथमेटिक्स में भी आपने LHS इक्वल टू RHS पढ़ा था। यस, एलजेब्रिक इक्वेशंस थी, वो एलजेब्रा की इक्वेशंस थी, वही इक्वेशंस क्या यहाँ पर अकाउंटिंग में भी आ रही है? यस। अब अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो क्या अकाउंटिंग इजीली पॉसिबल है? नहीं हो पाएगी। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की भी जरूरी है। फिर उसी तरीके से अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, क्या उसमें भी रिलेशनशिप होता है? यस। तो एक बार बाकी टॉपिक्स भी पढ़ते हैं, अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। अकाउंटिंग में देखो, अकाउंटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर बात करें कि मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा जो प्रॉफिट बना वो बना 2,35,424 रुपीज़ 35 पैसा। क्या अकाउंटिंग टू द लास्ट पैसा तक एग्जैक्ट फिगर बताएगा? येस और नो? भाई हमने जो जो प्राइजेस पे किए, जो जो एक्सपेंसेस किए, जो जो इनकम्स आई, वो क्या टू द लास्ट पैसा आती है या अराउंड फिगर में आसपास आती है? वो एग्जैक्ट आती है, ठीक, टू द लास्ट पैसा एग्जैक्ट फिगर आएगी। अब कई बार डिसीजन मेकिंग के लिए ना आपको इतनी एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए होती है,
भाई जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करी होगी तो आपने एक अंदाजा लगाया होगा प्री बोर्ड से मेरे मार्क्स कैसे आए हैं, 12th के लिए तैयारी करी होगी कि यस मेरे जो जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसमें 70 to 80 के रेंज में मार्क्स रहते हैं, ठीक है, फिर मेरा मैथमेटिक्स में इतने इतने रहते हैं, अकाउंटिंग में इतने इतने रहते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी। क्या आपके अगर मैथमेटिक्स में 77 से 78 मार्क्स हो जाते हैं या 72 मार्क्स हो जाते हैं प्री बोर्ड्स में, आपकी स्ट्रैटेजी पर क्या मेजर फर्क आ जाता बताओ भाई? अगर आपके जैसे से फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में प्री बोर्ड्स में आपके 76 मार्क्स आए, ठीक, ये तो होगी एग्जैक्ट फिगर। अब अगर मैं कह देता हूँ कि अगर आपके 79 मार्क्स आए होते तो क्या आप पढ़ना कम कर देते? मतलब स्ट्रैटेजी तो आपकी वैसी ही रहती है ना कि यार हाँ ऑन एन एवरेज मेरे 75 80 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं और मेरे को अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव करके 80+ या 90+ लेकर जाना है। तो आपने क्या एग्जैक्ट फिगर को कंसिडर किया या आपने एक अंदाजा लगाया कि यार मैं इस रेंज में फॉल कर रहा हूँ और इस अकॉर्डिंगली मेरे को एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है? अंदाजन से काम हो जाता है, यस। डिसीजन मेकिंग के लिए एग्जैक्ट फिगर जरूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग हमारे को एग्जैक्ट फिगर देता है और इतनी सारी एग्जैक्ट फिगर आती है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है जिससे डिसीजन मेकिंग हैम्पर हो जाती है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भी डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उसको सिंप्लीफाई करवाता है, ठीक है, कि हमारे को एग्जैक्ट चीज नहीं चाहिए, हमारे को एक एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चार्ट्स बनाते हैं। आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा पाई चार्ट बन रहे हैं, ग्राफ्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वो किस लिए हो रहे हैं, जो अकाउंटिंग का डेटा है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए रेडी किया जा रहा है। और वहां पर क्या काम आता है, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड और आपकी इस तरह की चीजें यूज होती है, आपकी स्टैटिस्टिक्स के टूल्स यूज होते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग ले पाते हैं। सरकार के लिए भी अगर बात करें, गवर्नमेंट एज अ होल की बात करें, तो क्या वो भी एक स्टैटिस्टिक्स का यूज करते होंगे? यस, डिसीजन मेकिंग के लिए। वो अगर करने लगे कि यार इतने फलाना लोगों की, इतने लोगों की इतनी इनकम है, इतने लोगों की इतनी इनकम है, क्या उन्होंने एक डिवाइड कर दिया बिलो पॉवर्टी लाइन, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस तरीके से एक ब्रॉड आइडिया ले लिया और उनके अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज बना रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह काम आती है, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में, ठीक, समझ में आई ये बात? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कह रहे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट टू द लास्ट पैसा, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग सच प्रिसीजन इज नॉट नेसेसरी, सो अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच कम्स टू हेल्प। कह रहे स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन बाय ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एटसेट्रा ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू एसर्टेन एंटरप्राइजेस ग्रोथ। तो जो अकाउंटिंग से डेटा मिला है उससे हम पाई चार्ट बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे को एंटरप्राइज की ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस का एक आइडिया देती है। कह रहा है अ लॉट ऑफ फिगर्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी जनरलाइज टू अ सिंगल ग्राफ और अ पाई चार्ट, ठीक है, कि जो जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से आई है उसको जनरलाइज करके हम एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज होगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग प्राइसेस रेशियोज दैट आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो कई जगहों पर हम प्राइसिंग भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करके लगाते हैं कि हो सकता है कि अगर एग्जैक्ट तौर पे बात करें तो हम कुछ प्रोडक्ट सस्ता बेच रहे हो, हमारे को लॉस हो रहा हो, लेकिन वहीं पर हम स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की नॉलेज लगाकर क्या बोलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट की क्वांटिटीज हमारी ऑन एन एवरेज कम बिकती है और ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, अगर मैं इसके प्राइसेस कम कर देता हूं तो हम इसको एज मार्केटिंग टूल यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसकी सेल भी बढ़ा सकता हूं और वहां पर थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज करके या थोड़ा सा भी फिगर ट्विक करके मैं अपना ये वाला लॉस रिकवर कर जाऊंगा। तो यहां पर क्या हमने एक स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करके अपना काम निकाल लिया, डिसीजन मेकिंग हो गई, यस। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का भी एक रोल होता है हमारे पास में, जो अकाउंटिंग के साथ कंजंक्शन में देखकर हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, ठीक। चले आगे, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या चल सकते हैं आगे? तो हमने अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स की बात करी और अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स की बात करी। अकाउंटिंग और लॉ की बात करते हैं। तो एन इकोनॉमिक एंटिटी ऑपरेट्स विद इन अ लीगल एनवायरमेंट, हर एंटिटी एक लीगल दायरे में, कानून की चार दीवारी में काम कर रहे हैं वो, ठीक। कह रहे ऑल ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स आर गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप देखते हैं जैसे कि एक सिंपल सी बात करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट होता है, ठीक है, आप लॉ में पढ़ेंगे भी। तो जो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक्स वगैरह होते हैं, तो चेक्स पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पीरियड अलाउ होता है, वैलिड फॉर सो एंड सो डेज। किसी को पता है कितना लिखा होता है? 90 days, ठीक है, 90 days की वैलिडिटी होती है या फिर मोटा मोटी 3 months की वैलिडिटी होती है। वो कहां पर लिखा है?
वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी आपने वो चेक पर डेट डाल दी उसके 90 दिन तक या 3 महीने तक ये बिल वैलिड रहेगा, वो चेक वैलिड रहेगा। उसके बाद में अगर वो चेक आप प्रेजेंट करते हो तो बैंक उसको ऑनर ही नहीं करेगा। ठीक, अब एक बात समझो, क्या हम अकाउंटिंग भी इसी हिसाब से करते हैं? यस, अगर कोई बिल है उसको मैं 90 दिन से ज्यादा ड्रॉ नहीं करूंगा, 90 डेज तक की उसकी डेट रखूंगा, तो क्या मैं अकाउंटिंग भी, अब जैसे ही 90 दिन से ऊपर का बिल हो गया वो बेकार हो गया, गलत हो गया, ठीक है, या 90 दिन से ऊपर मेरी क्या कहते हैं पीरियड चला गया तो वो बिल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग भी क्या लॉ के दायरे के अंदर काम कर रही है? यस, तो अकाउंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉ, की सारी चीजें हमको कानून के दायरे के अंदर अंदर करनी है। क्लियर? कह रहे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। फिर उसके बाद आगे आता है, कह रहे एंटिटी इटसेल्फ इज क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय लॉ एंड एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है आपका, जिसमें एग्जांपल के तौर पे हमारी पार्टनरशिप फर्म्स गवर्न होती हैं। कह रहा है लॉ गाइड्स एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अच्छा, इसका और एग्जाम्पल अगर दूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जब कभी भी पार्टनरशिप में नुकसान होता है या कुछ होता है, अगर पार्टनरशिप बंद होती है और मेजर लॉसेज हैं कि हम अपने क्रेडिटर्स के, बैंक के लोन के पैसे, क्रेडिटर्स के पैसे नहीं दे पा रहे, तो कहाँ से रिकवर किया जाता है? हम पार्टनर्स से रिकवर कर लेते हैं, ठीक। तो उसके लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जो कि हम रिजोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो वो भी किस अकॉर्डिंग हो रही है? हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न है कहीं ना कहीं, ठीक। तो एग्जांपल के तौर पे लॉ गाइड्स एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ कंपनी आर टू बी मेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कि ट्रांजेक्शंस को प्रेजेंट कैसे करना है उसके लिए भी लॉ ने बता रखा है, कंपनीज के लिए शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दे रखा है, जिस अकॉर्डिंगली आप वर्टिकली बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट लास्ट मेरे पास में डोमेन आता है, दैट इज अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें हमने बात करी थी कि जैसे मैथमेटिक्स में आप एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रिक इक्वेशंस की आप बात करते हैं, उसी तरीके वही यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग में भी आता है। तो कह रहे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कैन बी कन्वर्टेड इंटू एलजेब्रिक फॉर्म्स। तो LHS इक्वल्स टू RHS वाली बात, ठीक है, कि इक्विटीज प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू असेट्स। तो ये क्या हो गई? एक इक्वेशन हो गई। कह रहे द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एलजेब्रिक इक्वेशन। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है। नॉलेज ऑफ एरिथमेटिक्स एंड एलजेब्रा इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अकाउंटिंग कंप्यूटेशंस एंड मेजरमेंट्स। फ्यू एरियाज वेयर मैथमेटिक्स कम्स इन टू यूज, कुछ जगहों पर जहां पर हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो अकाउंटिंग में रिक्वायर्ड है, कंपाउंडिंग की जो हमारे को निकालना होता है इंटरेस्ट, उसमें क्या मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है? यस। और एनुइटी कुछ होता है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। एनुइटी होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ये अभी थोड़ा सा इस टॉपिक को समझाने में टाइम लगेगा, सही जगह पर जहां पर आएगा वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या मैथमेटिक्स चाहिए? यस। फाइंडिंग इंस्टॉलमेंट्स फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शंस, कि जैसे इंस्टॉलमेंट्स हमारे को निकालनी है, लोन रिपे करना है, तो उसके लिए भी क्या मैथमेटिक्स की नॉलेज चाहिए? यस। कैलकुलेटिंग लीज रेंटल्स एटसेट्रा, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, जो कि अकाउंटिंग के डोमेन में आती है। तो क्या अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स भी आपस में रिलेटेड है? यस, एक दूसरे का, एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक। तो ये एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक था जहां पर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड लॉ, ठीक है, और अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, इस तरीके से बातें पूछी जा सकती है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में? बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक था, ठीक। तो इस बात को फटाफट से नोट कर लो और फिर इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज देखिए, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद, पहले लिख लो, चलो फिर उसके बाद में बात करते हैं, पहले लिख लो इसको और फिर आगे की चर्चा करेंगे।
स्क्रॉल कर दूं, स्टैटिस्टिक्स तक पहुंच गए।
कर दूं आगे। चलें आगे।
गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। सभी लोगों का हो गया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा हो गया आपका? अगर हो गया तो एक बार डन का मैसेज लिख के भेज दीजिए। अगर आप सबकी नोटिंग हो गई है तो प्लीज डन का नोट डन का मैसेज लिख के भेज दीजिए। अब निकाल लो बुक में आपके चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चंस करते हैं। सो सबसे पहले आ जाओ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताइएगा मेरे को, ठीक? और आप अपनी बुक नहीं खोलेंगे, सबके सब चीटिंग नहीं करनी है किसी को भी। देखते हैं यहां पर, कह रहे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अब देखो जो एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, खाली ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है, वहां पर विद रीजन एक्सप्लेन करना है। तो अब ऐसे में जब आपने आंसर दे दिया फॉल्स, तो अब आप रीजन क्या मेंशन करके आओगे? आपको एक एक लाइन में बताना है कि व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, वेयर इज अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इतनी बात आप लोगों ने लिख कर आनी है। फिर कह रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? हाँ, पक्की बात? क्या गलत है इसमें? तो ये जो बात लिखी हुई है, ये किस चीज की बात लिखी हुई है? दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। द आंसर इज कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स, ठीक? थर्ड पॉइंट आ जाओ, कह रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस यूनिट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या यहां पर अगर मैं इन दोनों की अल्टा पलटी कर दूं तो क्या अब ये स्टेटमेंट्स ठीक हो जाएंगे? यस और नो? यस। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस मैनेजर्स, कि बिजनेस मैनेजर्स को इंटरनली क्या रिपोर्टिंग करी जानी है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहां पर हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग आना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट अगर बनानी है तो। कह रहे कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ट्रू और फॉल्स? कह रहा है कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। क्या यूजर्स होते हैं या नहीं होते कस्टमर्स? कस्टमर्स आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो यहां पर ये बात कर रहा है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है परफॉर्मेंस में, क्या ये बात सही कह रहा है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कस्टमर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज एंटिटीज। कह रहे समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कोई चीज क्या होती है? जैसे आपको स्कूल फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है तो एक एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट होती है। बेसिक, बेसिक्स क्या हो गए? 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक? बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चीज। अब उस कि समराइजिंग द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्या समराइजिंग बेसिक फंक्शन है? नहीं, रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज क्या आ रही है? रिकॉर्डिंग आ रही है। सो रिकॉर्डिंग, अच्छा थोड़ी सी आगे की बात पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एविडेंस्ड बाय सम डॉक्यूमेंट्स, जो सच डॉक्यूमेंट, सम डॉक्यूमेंट है वो कौन सा कहलाता है? हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है? सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या हो गया हमारे पास में? क्या रिकॉर्डिंग की बात कह रहा है? इज ऑल्सो फॉल्स, इनकरेक्ट, ठीक? फिर कह रहे बैलेंस शीट शोज द पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट, ट्रू और फॉल्स? यस। ये हमारी एक लिमिटेशन भी थी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो खाली करंट डेट की पोजिशन बताती है, फ्यूचर डेट की नहीं बताती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
कह रहे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड असर्टेनिंग ऑफ इफेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ट्रू या फॉल्स? यस, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या बात समझ में आई? क्लियर? तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यस ट्रू फॉल्स भी किस तरीके के आते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे उन्हीं को उठाकर आपके ट्रू फॉल्स बनाए जाएंगे। ऑल्दो आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो यहाँ पर पता चलेंगे कि आपको क्या समझ में आएगी क्या नहीं आई बात। तो ऑल्दो आंसर लिखे हुए हैं, मार्क्ड है यहाँ पर, बट खुद से सोचना ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी चीज सब फील्ड नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या एक फील्ड ऑफ अकाउंटिंग था? यस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या एक फील्ड ऑफ अकाउंटिंग था? यस। बुक कीपिंग क्या एक फील्ड ऑफ अकाउंटिंग था? इट वॉज नॉट अ फील्ड। ठीक है, बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटेंसी का और अकाउंटिंग के अंदर आता है, इट इज नॉट अ फील्ड। फील्ड अलग हो गया एक चीज। ठीक, जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग के दायरे के अंदर आती है कि एक पार्ट बुक कीपिंग का हो गया और एक बात अकाउंटिंग का हो गया। सो आंसर इज सी। फिर कह रहे पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहा है कि पर्पस है अकाउंटिंग सिस्टम का सारी चीजें एक्सेप्ट क्या चीज। तो हमारे को क्या ढूंढना है, जो चीज पर्पस है अकाउंटिंग का या जो चीज पर्पस नहीं है, जो चीज पर्पस नहीं है एक्सेप्ट कह रहा है। कह रहा है इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, क्या ये हम अकाउंटिंग में करते हैं? यस और नो? यस, इंटरप्रेटिंग और रिकॉर्डिंग हम करते हैं। क्लासिफाइंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, क्या क्लासिफाइंग भी करते हैं? यस। कह रहे डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट द एंटरप्राइज में एंगेज इन, अकाउंटिंग बताता है कि कौन से टाइप की ट्रांजेक्शन में एंटरप्राइज बिजनेस ट्रांजेक्शन करेगी, किस तरह की ट्रांजेक्शन करेगी, किस तरह की नहीं करेगी। क्या अकाउंटिंग इस तरह की कोई बात बताता है? भाई बिजनेस ट्रांजेक्शंस मैनेजमेंट अपनी मर्जी से कोई भी कर सकता है, अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का तरीका बताएगी, बट ये नहीं बताएगी क्या करना है या क्या नहीं करना है। ऐसा सोचो ना कि आप एज अकाउंटेंट बैठे हुए हो, सर सर इसको लोन मत दो, ये तू कौन होते बोलने वाला? आप तो आपका काम क्या है सीधे सीधे, आपको तो ये करना है कि मैं अगर लोन देता हूं तो रिकॉर्डिंग क्या करनी है, ये सोचो। क्या अकाउंटिंग ये डिक्टेट करेगी क्या बिजनेस करना है क्या नहीं करना, कि सर ये मेरे को अच्छा नहीं लगता इसको सेल नहीं करेंगे सामान? हाँ, क्या इस तरीके से चलेगा? क्या इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है भाई, वो मैनेजमेंट का प्रेरोगेटिव है, वो मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन किसके साथ करती है कैसी नहीं करती है। आपका काम बस जो जो बेसिकली अकाउंटेंसी का काम है, दैट इज ओनली टू रिकॉर्ड एंड समराइज एंड एनालाइज दोस ट्रांजेक्शन। ठीक, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करने का काम है अकाउंटिंग का। वो बताता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, वो ये बताता है कि जो कर दिया उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, दैट इज इट। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? सी। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, या फिर डिजाइनिंग द सिस्टम्स इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डेटा, एंड कह रहे हैं इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। बुक कीपिंग किस चीज से कंसर्न्ड है? क्या वो क्लासिफाइंग, समराइजिंग का काम करती है? बुक कीपिंग क्या करती है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करती है बस। ठीक, क्या इंटरप्रेटिंग करती है बुक कीपिंग? नहीं। क्या करती है खाली? रिकॉर्डिंग करती है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो खाली रिकॉर्डिंग वाला पार्ट ठीक है। ठीक, कह रहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, ये सारी चीजें फंक्शंस है अकाउंटिंग के, एक चीज को छोड़ के। क्या डिसीजन मेकिंग एक फंक्शन था अकाउंटिंग का? यस और नो? यस। क्या फोरकास्टिंग एक फंक्शन था अकाउंटिंग का? यस yes. जहां पर हमने फोरकास्टिंग बात करी, डिसीजन मेकिंग बात करी थी, कंट्रोल देता है गवर्नमेंट एंड टैक्सेस, ये सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा करी थी, तो ये दोनों चीजें उसमें आ रही थी तो वो फंक्शन हो गए। क्या लेजर पोस्टिंग एक फंक्शन है? नहीं, लेजर पोस्टिंग एक प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, कि हम क्लासिफाइंग करते हैं तो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग के प्रोसेस में ही आता है। ठीक, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या लगता है? अकाउंटिंग। ठीक, तो बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना अकाउंटिंग के दायरे में आती है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज एसर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, लेंडर्स, कस्टमर्स, बोथ ए एंड बी, क्या बोथ ए एंड बी हो गया? यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसिडर असेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, पूछ रहा है क्या चीजें कंसिडर नहीं करती है, डू नॉट कंसिडर। क्या असेट्स और लाइबिलिटीज जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है क्या उन्हें कंसिडर करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। लाइबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स क्या कंसिडर करते हैं? यस। असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, कोई ऐसे असेट और लाइबिलिटीज जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है उन्हें? नहीं। जो चीजें खाली मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू हो सकती हैं, खाली उन्हीं को ही रिकॉग्नाइज करती है अकाउंटिंग। सो आंसर क्या हो गया? सी। कह रहे ऑन 4 जनवरी
सोहन पेड रेंट ऑफ 5,000 रुपीज, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज इवेंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट। क्या लगता है, रेंट पे करना इज इट अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट? इट इज अ ट्रांजेक्शन। सेल करना इज अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट? ट्रांजेक्शन। ठीक है, सैलरी पे करना इज अ ट्रांजेक्शन और इवेंट? ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट रिसीव होना ट्रांजेक्शन और इवेंट? ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इन ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट है दैट इज व्हाट? दैट इज एन इवेंट। तो ये क्या होगी? ट्रांजेक्शन होगी। कह रहे ऑन 31 मार्च 2015 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2,000 ही इज लेफ्ट विद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 10,000। दिस इज एन इवेंट। ठीक है, और ₹2,000 इज व्हाट? ₹2,000 इज अ ट्रांजेक्शन, वो हमारी एक ट्रांजेक्शन है। सो आंसर क्या हो गया? इट इज एन इवेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक, चलो अब कुछ हमारे पास में थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। कह रहे डिफाइन अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या अकाउंटिंग आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और वेरियस सब फील्ड्स क्या हो जाएंगे अकाउंटिंग के? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, दीज आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब फील्ड्स आपने बताने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। कह रहे हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स? यूजर्स बता पाएंगे? यूजर इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटिटी। और इसमें आप फर्दर एक्सप्लेन कर दोगे, दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और फिर वहां पर बताकर आ जाओगे इंटरनल कौन से होते हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक्सटर्नल जो आउटसाइड हो गए, और फिर एग्जाम्पल्स दे देना। आंसर आपका कंप्लीट। ठीक, डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स लॉ। क्या ये बात लिख पाएंगे आप? ये हमने नोट्स में जो बात लिखी हुई है उतना भी अगर आप लिखाते हो तो उसका उससे आपका काम बनता है पूरा पूरा। कह रहे डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पूछ रहा है, क्या क्या थी थोड़ा सा याद दिलाओ, मैं भूल गया। क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर इग्नोर्ड, और बैलेंस शीट टेल्स यू द करंट पोजिशन नॉट द फ्यूचर पोजिशन, और विंडो ड्रेसिंग एंड फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटी है, और क्या था, इट इग्नोर्स मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को भी इग्नोर कर देता है, और एस्टिमेट्स कि अकाउंटिंग में अकाउंटेंट्स एस्टिमेट्स का यूज करते हैं जहां पर डिस्क्रिशन आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर मैनिपुलेशन का स्कोप रह जाता है। तो देखो एक बार लिमिटेशंस में क्या आ गया, कि द फैक्टर्स मे बी रिलेवेंट दैट विच मे बी रिलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंट्स एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कह रहे कुछ चीजें जो बिजनेस की वैल्यू बनाने में कंट्रोल और क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। क्यों? क्योंकि उनको मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वही वाली बात होगी कि इग्नोर्स फैक्टर्स मॉनेटरी फैक्टर, जो चीजें हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इग्नोर करती है। कह रहे बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। ठीक, फिर कह रहे अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। कह रहे फिर इसके बाद में देर आर ओकेजन वेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अब ये पॉइंट इसमें हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है, तो ये एक दूसरा लिमिटेशन हो गया। ठीक है, कि हमारे पास में कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी जो कि कॉन्फ्लिक्ट करेंगी एक दूसरे से। अकाउंटिंग कहेगा कि या तो ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो, एएस कहेगा, लेकिन वो दोनों ही आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग रहेंगे। जैसे कि एएस 10 की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो कहेगा कि आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने हैं असेट को, फिर दूसरी तरफ कहेगा कि आप रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, तो क्या दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए? यस, लेकिन अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम बात करेंगे कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलती है। वन साइज फिट्स ऑल क्या हो गया कि एक ही रूल बना दिया और वो सबके ऊपर लागू कर दिया, वो अप्रोच नहीं चल सकती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री अलग है और विद इन इंडिया बहुत डाइवर्स इकोनॉमिक सिचुएशंस है। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि डेवलप्ड है, जो बेटर है, बेटर ऑफ है, जैसे कि आपकी महाराष्ट्र में मुंबई ले लो, ठीक है, दिल्ली की बात कर लो, तो कुछ जगह ऐसी हैं जो डेवलप्ड है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो अब उसको दिमाग में रखते हुए अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऑप्शंस दे रखे हैं कि जिसको जो सूटेबल लगता है वो कर सकता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर एएस 10 के हिसाब से असेट्स को रिकॉर्ड करना है, लेकिन अगर आपके असेट्स की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ गया तो आप रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, दैट इज ऑप्शनल, अप टू द मैनेजमेंट है। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया,
यस yes. सो कई सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग हैं एक दूसरे से, ये एक और लिमिटेशन हो गया. फिर कह रहे सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड्स ऑन शियर पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट. पर्सनल जजमेंट अपनी मन मर्जी के मुताबिक डिस्क्रेशन पर आप एस्टिमेट्स रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन का स्कोप पॉसिबल है. और फिर कह रहे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये तो समझ में भी नहीं आएगा, कहीं दूसरे पर कहीं और पर पढ़ लेंगे, यहाँ पर स्पेस गायब हो गए हैं बस. देखो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, छोड़ो आगे जाके कहीं पे पढ़ लेंगे. कह रहे व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी. क्या आपने वो सर्विसेज देखी थी, सुनी थी, पढ़ी थी हमने, ठीक है, उनको आपने ब्रीफली एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाना है कि ऑडिटिंग की सर्विस हो गई, टैक्सेशन की सर्विसेज हो गई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गई, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, ये सब चीज़ें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करवाता है. ठीक, व्हाट सर्विसेज कैन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजेस देते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ये सब चीज़ें रूल हो गए. लिमिटेशंस आ गई फिर से हमारे पास, ठीक, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हम सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट एंड डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर डिफरेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन. कि डिफरेंट ट्रीटमेंट आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए करते हो तो वहाँ पर मैनिपुलेशन पॉसिबल है. ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर से लिमिटेशन वाला टॉपिक आ गया, समझ में आ रही है बात. ठीक, और ये जो क्वेश्चंस थे हमारे, कुछ क्वेश्चंस तो हमारे ये मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस थे, ठीक, और उसके बाद में हमारे ये आरटीपी एमटीपी पीएक्यू वाले क्वेश्चंस हैं. क्लियर, चलो सो चैप्टर हो गया हमारा खत्म. अब इसके बाद हम लोगों ने एक सेकेंड, हम लोगों ने अभी जो चैप्टर में बात करी थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. ठीक, अब थोड़ा सा मैं थ्योरी से अलग चल के सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए. ठीक, तो अब उन्हीं जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करेंगे. कुछ चैप्टर्स हैं जो थ्योरी के अभी रह गए हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पूरा नहीं हुआ है, तो उन चैप्टर्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली कभी कभी थोड़ा सा बीच बीच में ना प्रैक्टिकल के बीच में एक एक चैप्टर करके उनको कवर कर लेंगे. ठीक है, ऑन अ स्ट्रेच थ्योरी कराएंगे तो आपके शक्लों पर देख के लग रहा है कि सर थोड़ा तरस खाओ, तो इसीलिए अब मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ आपको. थोड़ा अकाउंटिंग प्रोसेस आपके मॉड्यूल से जो लोग देख रहे हैं उनके चैप्टर नंबर 2 दिखेगा, उसका यूनिट नंबर 1 है. ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक करेंगे हम. ठीक, तो निकाल लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज. ये पार्ट थ्योरी है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है इसमें, बट यहां से हमारी प्रैक्टिकल की जर्नी शुरू हो जाती है. यहां से आगे पूरा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, आपको थ्योरी कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नहीं नजर आएगी. ठीक, चलो सो अकाउंटिंग के प्रोसीजर में, अकाउंटिंग की एंट्री में हमने सबसे पहले रिकॉर्डिंग देखा था, फिर क्लासिफाइंग था, एंड देन उसके बाद में समराइजिंग था. इसके बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग भी होता है, उसको छोड़ के मेनली अकाउंटिंग में ये 3 चीजें होती हैं. रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, एक सोर्स डॉक्यूमेंट आता था, यस और नो, एक सोर्स डॉक्यूमेंट था, एग्जाम्पल के तौर पर इनवॉइस, ठीक है, सेल्स इनवॉइस हो गया आपका, परचेज का इनवॉइस आ गया आपका. बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए सोचो क्या होता होगा, बैंक से आपने पेमेंट करी डेटर को, डेटर से पैसे रिसीव करे या क्रेडिटर को पेमेंट करी बैंक की ट्रांजेक्शन के लिए, बीआर तो बिल आ गया हमारे पास में, वो एक प्रूफ है, पेमेंट रिसीव हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं. क्या होता है प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, सीधी सी बात, बैंक आपको क्या स्टेटमेंट देता है, आपके अकाउंट में क्या पैसे आए, क्या पैसे गए, बैंक स्टेटमेंट. क्या एक वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, यस. कल को अगर आप कहते हो कि मैंने फलाना बंदे को पेमेंट करी थी बैंक से, चेक से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके कहते हो मैंने परचेजेस करी थी जी, मैंने पेमेंट भी करी है, अब डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांगेगा, क्या दोगे आप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांगता है तो क्या दिखाओगे कि जी देखो मेरे पास में इनवॉइस है जो मैंने परचेज करी थी और मैंने ये पेमेंट करी थी बैंक से, ये लो बैंक स्टेटमेंट. क्या सब्सटैंशिएट कर दिया आपने, प्रूफ कर दिया आपने, यस. तो सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है ऐसे में. फिर कोई सैलरी दी आपने, एक्सपेंस किया, तो उसके लिए सैलरी स्लिप होती है. ठीक, बिजली का बिल पे किया, उसके लिए भी क्या, बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो हुआ उसके लिए आपके पास में इनवॉइस आता है. इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस का आपको बिल मिलता है. ठीक, तो इस तरीके से लगभग हर चीज का हमारे पास में एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, चलो अब इसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं. और रिकॉर्डिंग के लिए हमने बात करी थी कि रिकॉर्डिंग 2 तरीके से पॉसिबल है,
एक तो जर्नल में हम कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, और एक हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इन सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स के लिए मेरे पास में एक सेपरेट चैप्टर है, इसको मैं अभी के लिए पेंडिंग रख रहा हूं। ठीक, मेरे को मेनली जो बात करनी है वो जर्नल की करनी है। सो जर्नल बेसिकली क्या हो गया आपका, जर्नल एक कॉपी है और जिसमें आप डेट वाइज, ठीक है, डेट आ गई हमारे पास, पर्टिकुलर्स आ गया हमारे पास, और एक छोटा सा कॉलम आता है LF, लेजर फोलियो, और डेबिट और क्रेडिट आता है। कुछ इस तरीके से हमारे पास में एक कॉपी होती है। ठीक है, और इस कॉपी में मैं सारी ट्रांजेक्शंस लिखता हूँ, यहाँ पर डेट मेंशन करता हूँ, और फिर कुछ अकाउंट को डेबिट करूंगा और कुछ अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, डेबिट वाली अमाउंट इधर आती है और क्रेडिट वाली अमाउंट इधर आती है। जो आप ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो वो बेसिकली जर्नल में रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक, तो ये एक कॉपी है जहां पर एक अकाउंटेंट उस कॉपी को लेकर बैठा हुआ है, और वो बस ये देख रहा है कि भाई मेरे पास इनवॉइस आते जा रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट आते जा रहे हैं, और उनको डेट वाइज रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। वो जो जो चीजें होती जा रही है उनको चुपचाप बस रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। डेली बेसिस पर क्या करता होगा, सारे इनवॉइस ले लेगा, सेल परचेज पूछेगा लाला जी से, लाला जी बताओ क्या क्या किया आज, कह रहे ये ले सेल वाले बिल, ये ले परचेज वाले बिल, ये ले बैंक स्टेटमेंट, ये ले एक्सपेंसेस, कैश के उसने कुछ ट्रांजेक्शंस करी, उन ट्रांजेक्शन को लिखना वो शाम को स्टार्ट कर देगा कि यस आज के दिन ये सारी ट्रांजेक्शंस हमने करी हैं। तो ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया इन जर्नल। अब देखो जो जर्नल है हमारा उसमें भी जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शंस है, आमतौर पर बताओ मोस्ट कॉमनली कुछ ट्रांजेक्शंस होती होंगी जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती होंगी, और कुछ ट्रांजेक्शंस होती होंगी जो कभी कभी होती होंगी। जैसे कि इंश्योरेंस पे करना, क्या आप कभी कभी करते हो या डेली रोज इंश्योरेंस कराते हो? कभी कभी, साल में एक बार इंश्योरेंस हो गया, दो बार हो गया, कि आपने अपना एक बार बिजनेस का कर लिया, एक बार बिल्डिंग का करा लिया, अपने बिजनेस की एक बार स्टॉक का करा लिया। ठीक, तो एक बार गाड़ी का करा लिया, गाड़ी अगर बिजनेस में आ रही है तो इस तरीके से कभी कभी तो आपका विद इन अ ईयर होता है, हर साल होता है, लेकिन डेली नहीं होता है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती होंगी जो डेली होती होंगी या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती होंगी। कौन सी ऐसी, सेल परचेज, क्या ये ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो डेली बेसिस पर होती हैं? यस और नो? यस। अब क्या करते हैं हम कि जो ट्रांजेक्शन बहुत डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट बुक बना लेते हैं। ठीक है, सेपरेट जर्नल मेंटेन कर लेते हैं। तो अब मेरे पास में दो जर्नल आते हैं। ठीक है, एक आता है मेरे पास में जनरल जर्नल और एक आता है स्पेसिफिक। जनरल जर्नल क्या हो गया, जनरल डायरी है। ठीक है, जहां पर हम क्या करेंगे, जो भी इधर उधर के खर्चे हैं या जो भी इधर उधर की ट्रांजेक्शन जो कम होती हैं वो सारी हमने इधर लिख दी। जैसे कि बैड डेट्स, क्या फ्रीक्वेंटली होता होगा, फ्रीक्वेंटली होगा डेली बेसिस पर एक बैड डेट्स हो रहा है, बिजनेस बंद कर दो भाई। डेली बेसिस पर आप सेल करोगे, डेली बेसिस पर बैड डेट्स नहीं होंगे। हाँ, कभी कभार महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक आपका बैड डेट हो गया, आप जो टोटल सेल्स करते हो उसका शायद 2 या 3% ही बैड डेट्स होते हैं, तो आप क्या डेली बेसिस पर बैड डेट्स होंगे? नहीं। ठीक, डेली बेसिस पर सेल परचेज जरूर होगी। डेली बेसिस पर क्या BR क्या कहते हैं ड्रॉ कर सकते हो आप? यस, कर सकते हो कि हाँ आपकी आपका एक सिस्टम है जहां पर आप क्रेडिट पर सामान देते हो, आप 3 महीने का क्रेडिट देते हो तो आपकी डेली क्रेडिट सेल्स होती है, डेली क्रेडिट परचेजेस होती है, तो क्या आप BR रोज ड्रॉ कर सकते हो, BR रोज, BP रोज एक्सेप्ट कर सकते हो? यस। तो क्या आप उसके लिए भी एक स्पेशल जर्नल या फिर स्पेसिफिक जर्नल बना सकते हो? यस। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शंस मेरी रोज रोज होती हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट डायरी बना लेता हूं। सेल का मैंने एक सेपरेट डायरी बना ली, तो इसको हमने बोला कि हमारे पास में वो स्पेसिफिक हो गया। और जो चीजें मेरी कभी कभी होती है, सैलरी देना, इंश्योरेंस कराना, ठीक, बैड डेट्स हो गए, ट्रांसफर एंट्रीज हो गई, वो सब चीजें कहां पर जाएंगी हमारी, जनरल जर्नल में जाएंगी। फर्क समझ में आया? ठीक, तो एक हमारे पास में हो गया एक जनरल जर्नल हो गया, और एक हमारे पास में आ गया स्पेशलाइज या फिर स्पेसिफिक जर्नल हो गया। समझ में आई ये बात, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक, जो ट्रांजेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली होंगी उनके लिए हम एक अलग से जर्नल बना देंगे कि भाई सारी सेल की ट्रांजेक्शन मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा, सारी परचेज की ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड होंगी, और एक मेरा मिसलेनियस जर्नल हो गया जहां पर सब चीज आ जाएंगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, एग्जाम्पल इनवॉइस, फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जहां पर आप पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि पहली बार जो ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में दिखाई दी वो कहां दिखती है,
जो हमारा जर्नल है, ओरिजिनल एंट्री है, उसमें हमारी सबसे पहली बार वो ट्रांजेक्शन दिखाई देती है, इसीलिए हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक, और ये हो सकते हैं हमारे पास में जनरल जर्नल में और एक स्पेशलाइज जर्नल में। दूसरा भी पॉसिबल है यहां पर, क्या? सब्सिडरी बुक्स, लेकिन उसको मैंने यहां पर टेकअप नहीं किया क्योंकि मेरा चैप्टर वो नहीं है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में एक मेरे पास में दूसरा एरिया भी आ सकता है। इसके बाद में क्लासिफाइंग मतलब पोस्टिंग इनटू द लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये हम लेटर ऑन करेंगे। अब देखो, जब आप ट्रांजेक्शन इधर जर्नल में रिकॉर्ड करते हो तो कुछ एक सिस्टम फॉलो करते हो। व्हाट इज द सिस्टम दैट इज फॉलोड इन अकाउंटिंग? डेबिट नोट। क्या 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 क्या, क्या? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, ये एक रूल है, बट एक सिस्टम आप फॉलो करते हो, खाली इतना ही नहीं, और भी है, और भी है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये भी था। यस, पर ये सब चीजें किसी एक चीज के दायरे में आ रही है। डेबिट और क्रेडिट दो चीजें कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसे? डबल एंट्री सिस्टम। आप अकाउंटिंग के लिए डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके दो इफेक्ट जाते हैं। ठीक है, ड्यूअल इफेक्ट होते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? डबल एंट्री सिस्टम। कोई भी ट्रांजेक्शन सोच लो, सेल करी आपने, तो सेल के लिए मेरे पास डबल इफेक्ट किस तरीके से जाता है? अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का डबल इफेक्ट किस तरीके से होता है? भाई आपने सेल करी है, या तो आपको पैसे मिले होंगे सेल करने के, या फिर एक वादा मिला होगा कि मैं कल को पैसे दे दूंगा। ठीक, तो क्या आता है आपके पास में? या तो बैंक अकाउंट आते हैं या फिर डेटर आएगा। यस, तो बैंक अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या इधर भी मेरा डबल इफेक्ट लिया गया? क्या ड्यूअल इफेक्ट हुआ है? एक चीज मैंने डेबिट करी है और जिसको टू किया उसको मैंने क्रेडिट किया। ठीक, तो हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होगा। ठीक, तो एक तरफ मेरे पास में कोई असेट बढ़ सकता है, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास में कोई इनकम आ गई यहां पर इस केस में। ठीक, तो हर तरीके से दो इफेक्ट लिए जाएंगे हमारे पास हर एक ट्रांजेक्शन के, कि असेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती है। दो साइड ऑफ मेरे पास में क्या तराजू की तरह बैलेंस शीट में दो चीजें हो गई। यस, सो एक तरफ मेरे पास में कोई असेट बढ़ेगा अगर, तो दूसरी साइड क्या हो सकता है? मेरे को दोनों साइड इफेक्ट लेना है। अगर मैं असेट को बढ़ा रहा हूं तो उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं आगे जाकर, क्या? या तो मेरी लाइबिलिटीज भी साथ के साथ इंक्रीज हो या फिर मेरा कोई दूसरा असेट घटे। ठीक है, अगर मेरा कोई असेट बढ़ रहा है तो एक इफेक्ट तो असेट बढ़ने का हो गया, दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? या तो मेरा असेट ही बढ़ेगा या फिर मेरी, या तो मेरा असेट घटेगा या फिर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। एग्जांपल के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। ठीक, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है तो यहां पर देखो डबल इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है। क्या मैं एंट्री क्या करता हूं इसमें? क्या असेट अकाउंट डेबिट करूंगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट करूंगा। ठीक, अब क्रेडिट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो आपने टू बैंक कर सकते हो, ठीक, कि आपने पैसे दे दिए। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अब ऐसे में देखो हुआ क्या, क्या एक तरफ मेरा असेट इंक्रीज हुआ और मेरा असेट इंक्रीज कैसे हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी आ गई मेरी बुक्स में, दूसरी तरफ मेरा असेट दूसरा क्या डिक्रीज हुआ है? यस, तो दूसरा असेट मेरा डिक्रीज हो गया। कैसे? मेरा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। ठीक, तो क्या डबल इफेक्ट हुआ? यस। क्या इसका दूसरा चीज भी पॉसिबल थी कि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए? कैसे? कि मैंने पेमेंट ही नहीं करी अभी, क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट है, या फिर मैंने लोन ले लिया, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? यस। तो अब देखो मेरी बैलेंस शीट में अगर देखें तो असेट इंक्रीज हो गया, साथ के साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। क्या दो इफेक्ट जा रहे हैं हर चीज के? यस। अब बाकी कोई और ट्रांजेक्शन ले लो, आपने कोई लोन ही रीपे किया से फॉर एग्जाम्पल, तो इस वजह से होगा क्या? अगर लोन रीपेड है तो इसकी जर्नल एंट्री आप किस तरीके से बनाते हो या इफेक्ट किस तरीके से जाएगा? लोन आपका घट जाएगा लाइबिलिटी साइड में। ठीक, अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा? दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा? क्या आपकी असेट भी रिड्यूस हो जाएगी? यस और नो? यस। तो क्या अगर मैं असेट को, अब मैं अगर समराइज करूं आपको कि अगर आप असेट को इंक्रीज कर रहे हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या? या तो आपका कोई दूसरा असेट रिड्यूस होगा या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर आप असेट को घटा रहे हो तो क्या यहां पर भी दूसरा इफेक्ट जाएगा? यस। असेट को घटा रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा असेट बढ़ जाए। कैसे? कोई असेट आपने बेच दिया,
ठीक है, बेचने से आपका वो असेट तो चला गया या डेटर से पैसे रिसीव कर लिए, तो डेटर कम हो गया लेकिन बैंक में पैसे आ गए, राइट। तो एक असेट घटा, दूसरा असेट बढ़ गया। दूसरा चीज क्या हो सकती है, अगर आपका एक असेट रिड्यूस हुआ है तो क्या लायबिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है? यस। तो ये दूसरा इफेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक। अच्छा, थोड़ी सी बात और बिल्कुल बेस में चले जाते हैं। असेट्स का इन जनरल नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, असेट का डेबिट नेचर होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट नेचर। तो अब देखो, अगर आप असेट को बढ़ाओगे तो क्या कर रहे हैं, हम डेबिट कर रहे हैं। तो यहां पर असेट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो डेबिट कर रहे हो। तो एक साइड इफेक्ट अगर आपका डेबिट का है तो दूसरी साइड इफेक्ट क्रेडिट का जाएगा। तो अगर मेरे को असेट को घटाना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, तो क्या क्रेडिट हुआ यहां पर। और अगर मेरे को लाइबिलिटीज को बढ़ाना है तो क्या मैं फर्दर और क्रेडिट करूंगा, यस। तो क्या एक इफेक्ट डेबिट, एक इफेक्ट क्रेडिट गया, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं असेट को घटा रहा हूं तो क्या क्रेडिट हुआ, और उसका दूसरा इफेक्ट अगर एक साइड क्रेडिट कर ले तो दूसरी साइड डेबिट करना पड़ेगा। तो असेट को बढ़ाएंगे तो डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी को अगर घटाएंगे तो भी क्या डेबिट होगा, यस, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अच्छा, एक असेट घट गया, एक लाइबिलिटी घट गई, लोन रिपेड, क्या ऐसा ही होगा हमारे पास में कि लाइबिलिटी घट गई और असेट भी रिड्यूस हो गया। अच्छा, और भी चीज पॉसिबल है क्या, अगर मैं लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो इफेक्ट क्या जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं लाइबिलिटी को बढ़ा रहा हूं, ठीक है। किसी चीज का क्रेडिट नेचर है तो उसको बढ़ाने के लिए फर्दर क्रेडिट करेंगे, घटाने के लिए डेबिट करेंगे, तो मेरे पास इधर आ जाएगा क्या कहते हैं, क्रेडिट। अब इसके भी क्या फर्दर दो पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरा इफेक्ट भी जाएगा, क्या क्या हो सकता है। अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं असेट को इंक्रीज कर सकता हूं और लाइबिलिटी को क्या रिड्यूस कर सकता हूं, यस। अब देखो यहां पर किस तरीके से जाएगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, असेट बढ़ गई, असेट परचेज या लोन टेकन, सिंपल देखो ना, लोन टेकन, आपने लोन ले लिया तो इसमें होगा क्या, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, असेट बढ़ गया और साथ के साथ क्या एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई, यस। अच्छा, दूसरा, दूसरे का एग्जाम्पल सोचो क्या हो सकता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है और एक लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है, एग्जाम्पल बताओ, 11वीं कक्षा की बातें हैं, लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है, क्या ऐसा हो सकता है भाई, एक इफेक्ट मेरा डेबिट हो गया और दूसरा इफेक्ट ये डेबिट वाले हो गए दोनों इफेक्ट, बताओ, एग्जाम्पल सोचो और बताओ कि एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इतनी सारी जर्नल एंट्रीज बनाई है, एक मेरी छोटी सी क्वेरी का समाधान कर दो। हाँ, कुछ तो बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, दूसरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जहां पर इस तरीके का काम होगा, क्या हो गया मेरे को, हम भी है, ठीक, ये ट्रांजेक्शन बनती है, ये होता है, लोन टेक ओवर बोलते हैं इसे, कि आपका लोन टेक ओवर करवा लिया, आपने एसबीआई से लोन करा रखा था या पीएनबी से लोन करा रखा था, जिसपे पीएनबी ने, जिस टाइम पर मैंने लोन लिया था उस पर 10% इंटरेस्ट रेट था, बाद में सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, आज की डेट में वही लोन 8.5% पे चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोन टेक ओवर करवा देता हूँ, दूसरे बैंक को लोन दे देता हूँ, ठीक। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, एक बैंक का लोन खत्म हो जाएगा, दूसरे बैंक का लोन आ जाएगा। मैं थोड़ा और सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ये भी एक एग्जाम्पल बनता है बिल्कुल, ठीक, अच्छा सोचा आपने, और कोई सोच सकते हो, और कुछ, क्रेडिटर रिपेड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर को रिपे कर दिया मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट से, मैंने बैंक की ओडी लिमिट ले रखी है, उससे मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो उससे होगा क्या, क्या मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और क्रेडिटर की लाइबिलिटी घट जाएगी? तो क्या यहां पर एक लाइबिलिटी बढ़ी और दूसरी लाइबिलिटी घट गई, यस। तो यहां पर क्या वही इफेक्ट पड़ेगा, यस। तो मेरे पास एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी, यस। सो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में क्रेडिटर रिपेड बाय बैंक ओडी, मैंने बैंक से लोन लेकर क्रेडिटर को चुका दिया,
क्रिएटर ज्यादा परेशान कर रहा था, बैंक वाला कम परेशान करेगा, बस ठीक। चलो नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो क्या मैं लायबिलिटी को डेबिट करूंगा? यस। अब दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा मेरे पास में? दूसरा इफेक्ट भी लेना होगा। अब दूसरा इफेक्ट क्या क्रेडिट का जाएगा? यस। अब अगर मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो क्या हो सकता है? असेट रिड्यूस हो सकता है, दैट इज क्रेडिट जा रहा है, या फिर मेरी दूसरी चीज क्या होगी? लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास एक लायबिलिटी घट रही है, बढ़ रही है, उसका हमने एग्जांपल देख लिया, और एक लायबिलिटी घट रही है, एसेट घट रहा है, ऐसे कब होगा? लोन रिपे करने पर। क्या समझ में आया कि डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, कि अगर एक ट्रांजेक्शन का, मैं किसी भी ट्रांजेक्शन का एक इफेक्ट डेबिट हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट लेना होगा। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और इसी डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हम कहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी चाहिए, जो आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। आप 10 ट्रांजेक्शन लिखते हो तो उसमें से 9 का तो कर देते हो, बट कोई सी एक या दो ट्रांजेक्शन छोड़ देते हो, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाती है, ठीक। अगर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करोगे तो कहीं पर भी कभी भी आपकी बैलेंस शीट मिसमैच नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? बिल्कुल बेसिक बात। तो अब देखो यहां पर, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हर ट्रांजेक्शन का दो फोल्ड इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड रिकॉर्डिंग दीज बोथ इफेक्ट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर किया, तो फर्नीचर को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट गए। रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। सेल ऑफ गुड्स, कैश बैंक या फिर डेटर को आपने डेबिट किया, कि अगर आपको कैश से पैसे आए, बैंक से आए, डेटर आए, ठीक है, और सेल्स को आपने क्रेडिट किया। रेंट पेड, रेंट आपने, एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया, ठीक, और आपने क्या करा, आपने कोई दूसरे असेट को, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया आपका, लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया या फिर असेट को रिड्यूस कर दिया, ठीक। डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को डेबिट कर लिया और आपने असेट की वैल्यू घटा ली। तो क्या हर चीज का डेबिट क्रेडिट इफेक्ट है? यस। उसी तरीके से कैपिटल की इंट्रोडक्शन, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। कैश डिपॉजिटेड या कैश विड्रॉल, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया। क्या, और कैश अगर डिपॉजिट किया है, सॉरी, कैश अगर विड्रॉ किया है तो कैश का बैलेंस बढ़ गया और बैंक का बैलेंस कम हो गया, ठीक। चलो अब देखो, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम तो आ गया, बट इसको रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास दो दो क्या कहते हैं सिस्टम है, दो अप्रोचेज हैं बेसिकली। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच पुराने जमाने की अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच आज के जमाने की अप्रोच। तो कहीं ना कहीं पुरानी अप्रोच में कुछ कमी रही होगी, तभी हमारी मॉडर्न अप्रोच आई है, ठीक। तो हम दोनों ही अप्रोचेस पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है जहां पर आपको कह दे कि इन फर्दर इन इन अकाउंट्स को किसी किसी कैटेगरीज में क्लासिफाई करो। तो पहले करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। कह रहे हैं अंडर दिस अप्रोच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ओनली, एंड फॉर दिस पर्पस ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो अब देखो, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें अकाउंट्स को उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा। जो हमारे टाइप्स, जो अलग अलग तरह के लेजर्स हमारे अकाउंट्स खुलते हैं, उनको उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा इन ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि दो तरह के अकाउंट्स हैं आपके, पर्सनल, ठीक है, और हमारे पास में रियल एंड नॉमिनल। तीन कैटेगरीज में बांटा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर इन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा। तो देखो, पर्सनल अकाउंट्स हो गए और इम्पर्सनल अकाउंट्स हो गए। पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो किसी एक पर्सन से रिलेट करते हैं, और इम्पर्सनल वो अकाउंट्स हैं जो किसी भी पर्सन से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक। कई सारे अकाउंट्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी लोगों से रिलेटेड होंगे, जैसे कि डेटर है, कोई एक पर्सन होगा आपका, ठीक, और वो पर्सन एक इंसान भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। जैसे कि आपने राम से सामान परचेज किया तो राम आपका एक क्रेडिटर हो गया, ठीक है। आपने राम प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया, वो क्या हो गई? एक कंपनी हो गई। तो क्या क्रेडिटर आपका राम भी है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है? यस। तो क्या यहां पर एक पर्सन इन्वॉल्व है? यस। लेकिन एक जगह तो भगवान का बनाया हुआ पर्सन है और एक जगह हमारा बनाया हुआ पर्सन है, ठीक है। वन थिंग इज गॉड मेड, वन थिंग इज ह्यूमन मेड। तो इसकी फर्दर आगे पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगराइजेशन करी गई, ठीक। और जो इम्पर्सनल अकाउंट्स है वो किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से रिलेट नहीं करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी किसी पर्सन से रिलेट करती है?
नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, या फिर सैलरी क्या एक एक्सपेंस है हमारा? यस, ये किसी पर्सन से रिलेट नहीं करती। सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं कह रहा हूं मैं, सैलरी कह रहा हूं मैं, ठीक। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर सैलरी आउटस्टैंडिंग तो किसी एक पर्सन की है, मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग की नहीं कर रहा, ठीक। तो ये क्या है, ये किसी भी पर्सन से रिलेट नहीं कर रहे हैं, सो ये मेरे इम्पर्सनल अकाउंट्स हो गए, और कुछ अकाउंट्स पर्सन से रिलेटेड है। इतनी क्लासिफिकेशन समझ में आई, ठीक, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो देखो, दीज रिलेट टू सम पर्सन एंड जनरली रिलेट टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो चीजें पर्सन से रिलेटेड है वो असेट्स या लाइबिलिटीज से रिलेट करते हैं। और इम्पर्सनल क्या है कि दीज डू नॉट रिलेट टू एनी पर्सन, ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। और पर्सन जरूरी नहीं है ह्यूमन बींग ही हो, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, ठीक। और जनरली रिलेट टू असेट्स इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये असेट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। अब देखो, पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर तीन कैटेगरीज में बांटा गया। तीन कैटेगरीज क्या क्या हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, नेचुरल पर्सन वो हो गए जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक। आर्टिफिशियल कौन से हो गए, जो कि जिनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, या फिर क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक। तो ये क्या हो गए हमारे पास में, आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स अदर पर्सन, ठीक। तो ये मेरे पास में तीन फर्दर सब कैटेगरीज बनाई गई पर्सन पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। अब यहां पर देखो, ह्यूमन बींग्स का किस तरीके से आ सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर, क्या डेटर एक पर्सनल अकाउंट है और क्या एक नेचुरल पर्सन का अकाउंट है, यस और नो? भाई डेटर एक पर्सन को आपने पैसे देने हैं, यस, ठीक। क्रेडिटर क्या एक ह्यूमन बींग का एक पैसे देने हैं आपको, यस और नो? यस। तो वो क्या हो गया, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। उसी तरीके से कैपिटल, क्या यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि ये एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की कैपिटल है? जैसे पार्टनरशिप में भी आप लिखते थे ए बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं तो उनकी कैपिटल आ गई, तो क्या किसी एक पर्सन की कैपिटल है, यस। क्या ये असेट और लाइबिलिटी दोनों हो सकते हैं, यस तो ये क्या हो गए हमारे, नेचुरल हो गए, ठीक। उसी तरीके से हमारे पास आर्टिफिशियल है, सेम लॉजिक है, बस यहां पर इंसान नहीं है, इंसान की जगह क्या आ जाएगी, कंपनी आ गई, पार्टनरशिप आ गई, LLP आ गई, ठीक। और क्या हो सकता है हमारे पास में, HUF आ गई, सोसाइटी आ गई। दीज ऑल आर नॉट ह्यूमन बींग्स, ये सब ह्यूमन बींग्स नहीं है, ठीक है। HUF कुछ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, ठीक। तो ये ह्यूमन बींग नहीं है, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन क्या इनकी तरफ भी मेरी लाइबिलिटी या असेट हो सकता है, यस और नो? यस, मैंने कंपनी को सामान बेचा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, एक कंपनी की तरफ मेरा डेटर हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट में नहीं ले सकते, नेचुरल पर्सन में नहीं ले सकते, इसीलिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई, आर्टिफिशियल पर्सनल। मतलब बात समझ में आई है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ये किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग क्या कहते हैं हमारे पास, या प्रीपेड एक्सपेंस, दीज आर व्हाट, दीज आर एनी लाइबिलिटी और एन एसेट जो मैंने किसी और दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, रेंट पेबल हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में हमारे पास में प्रीपेड सैलरी होगी, फॉर एग्जाम्पल। तो दीज आर वॉट, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, तो ये किसी एक्सपेंस को और किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में तीसरी कैटेगरी होगी। क्या बात समझ में आई, ठीक। दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट, क्या ये भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, ये भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके दिमाग में एक तुरंत सवाल उठ जाना चाहिए, ये मैंने किसी वजह से ही डाला है, क्या सवाल उठा सर, कैपिटल तो आपने अभी तो नेचुरल में लिखा था, अब आपने यहां पर भी लिख दिया, ठीक। अब आगे बात बताओ, क्या दोनों जगह फिट हो रहा है, यस और नो? क्या दोनों जगह फिट हो रहा है, यस, यस। यही लिमिटेशन है जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच थी, कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि इंटरमिक्स हो जाते हैं,
जो हमारी क्लासिफिकेशन है ना वो बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि रिजिड हो कि हाँ हमारे पास में इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गई। वहां पर एक अकाउंट ऐसा है जो कि दूसरी कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता था, इसीलिए हमने फिर मॉडर्न अप्रोच आई थी। अभी तो अभी रियल पर पहुंचने दो, तब आपको और कंफ्यूजन होगी कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। बैंक अकाउंट बताओ, मैं रियल अकाउंट में बात करूंगा, कोई ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, असेट रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट है मेरा, बैंक का बैलेंस है, तो क्या मेरा रियल अकाउंट है? वो रियल बनेगा, लेकिन आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए, सर बैंक का बैलेंस भी तो किसी एक पर्सन का है, यस और नो, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव या पर्सनल क्यों नहीं बोल सकते? मैं कहूंगा बिल्कुल बोल सकते हो, बट क्या यही एक लिमिटेशन है? यस, यही एक वीकनेस थी इस मेथड की, ठीक है। अब आपके पास एग्जाम में पूछेगा आपसे कि इन लेजर्स को क्लासिफाई करो, आप कहोगे सर कौन सा क्लासिफाई करें, हम नेचुरल बोले या हम आर्टिफिशियल बोले? अगर कैपिटल अकाउंट दे दिया तो मैं क्या बोलूंगा, मैं रिप्रेजेंटेटिव बोलूं या पर्सनल बोलूं? तो उसके लिए देखो आपको ना एग्जाम की अगर मैं ओरिएंटेड बात करूं तो आपको तीन कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन करना है वहां पर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये वाली कैटेगराइजेशन में पढ़ना ही नहीं है आपने, इसमें जरूर ऐसा है कि जो इंटरमिक्स हो सकती हैं चीजें, तो ये क्लासिफिकेशन देना ही नहीं है। एंड इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट भी हमारे को जब आप आंसर देखेंगे तो वहां पर वो बोल देगा बस इतना कि पर्सनल अकाउंट है या रियल है या फिर नॉमिनल है, ठीक है। वो भी इस फर्दर कैटेगराइजेशन में नहीं जाते हैं बिकॉज वहां पर हमारे पास में इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है, ठीक। तो देखो यहां पर नेचुरल अकाउंट्स, दीज आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू नेचुरल रियल पर्सन, एग्जाम्पल डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्रॉइंग्स एटसेट्रा। ये क्या हो गए, किसी एक पर्सन के ये अकाउंट्स है, ठीक। तो ये एक नेचुर और वो पर्सन एक नेचुरल पर्सन है, ठीक। फिर आते हैं आर्टिफिशियल या लीगल अकाउंट्स बोलते हैं इनको, कि पर्सन हु आर नॉट ह्यूमन बींग्स एंड हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, कि इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, एग्जाम्पल एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, एटसेट्रा, ठीक। मैं बस ये वाला टॉपिक खत्म करूंगा फिर आपकी छुट्टी करूंगा, आपको लग रहा है आप लोगों की सर तो आज भूल गए, ठीक। तो आई हैव अ ट्रैक ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा बस ये टॉपिक आधे में नहीं छोड़ना चाहता, मैं पूरा करके आपकी छुट्टी कर दूंगा, और जो नेक्स्ट क्लास है वो 10 मिनट थोड़ा सा और लेट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। चलो तीसरा हमारे पास में आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन से हो गए, दीज आर द लेजर्स दैट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ अ पर्सन जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं, उनके अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कैपिटल। तो ये क्या हो गए, कैपिटल भी एक रिप्रेजेंट करता है किसी के बैलेंस को जो उसने बिजनेस में लगाया है, ठीक। तो वो एक पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है और एक मेरे पास में क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी बन सकता है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी। नेक्स्ट आती है रियल अकाउंट्स, इम्पर्सनल के अंदर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स कौन से हो गए, दीज आर द अकाउंट्स दैट रिलेट टू असेट्स ओनली ऑफ द फर्म, खाली असेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं रियल अकाउंट्स, कोई भी लाइबिलिटीज के अंदर नहीं आती है। अब असेट्स की अगर बात करें तो डेटर भी यहां पर आ जाएगा क्या, डेटर नहीं लेते हम यहां पर, ठीक। डेटर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। यहां पर बेसिकली आप देखो मेरे असेट्स कैसे वाले आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश इन हैंड और बैंक, ठीक। इस तरीके के असेट्स आते हैं जो बेसिकली आप देख सकते हो, ठीक है, या जो आप बेसिकली महसूस कर सकते हो। आप कह सकते हो कि सर बैंक अकाउंट में देख थोड़ी सकता हूं, बट ये है कि हाँ वो एक मेरे पास में रियल असेट है जो एक रियल तौर पर आप बेसिकली महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, एक ब्रॉडली आप ये अपने पास में अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट्स, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर रियल अकाउंट्स, ठीक। फिर मेरा बैंक का बैलेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, एफडीज हो गए, स्टॉक्स हो गए। सर स्टॉक्स तो मेरे डीमैट फॉर्म में है, उनको तो मैं नहीं देख सकता। तो जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप टैंजेबल असेट्स मेरे असेट्स बनेंगे, ऐसा नहीं है, इनटैंजेबल असेट्स भी मेरे असेट्स बनेंगे, ठीक है। और जो स्टॉक है वो मेरा इनटैंजेबल असेट नहीं है, ठीक। बट बेसिकली असेट है जिनको हम अपने पास में रियल अकाउंट की तरह क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स आर इजी। नॉमिनल अकाउंट्स जो भी आपके लेजर्स हैं विच आर रिलेटेड टू इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। आपने देखो पर्सनल अकाउंट्स में असेट्स और लाइबिलिटीज की बात करी, रियल अकाउंट में आपने खाली असेट्स की बात करी, इनकम्स और एक्सपेंसेस कहाँ गए? तो वो कहां पर आ रहे हैं हमारे पास में, दोज आर कमिंग इन नॉमिनल अकाउंट्स, कि सारे के सारे अकाउंट जो रिलेटेड हैं एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, इनकम्स के और गेन्स से, वो हमारे कौन से अकाउंट्स बनते हैं,
नॉमिनल अकाउंट्स बनते हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि दीज आर टेम्परेरी इन नेचर, इन द सेंस का बैलेंस सीधी नहीं। याद करो, मतलब एक बात रिकॉल करो अपनी 11th 12th, बैलेंस शीट किन चीजों का निकलता है? खाली बैलेंस शीट में जाते खाली उन कि किसी भी चीज का बैलेंस शीट निकलता है। कोई भी एक्सपेंस देख लो, कोई भी इनकम देख लो, क्या उसका आप टू बैलेंस शीट या बाय बैलेंस शीट करते हो? सैलरी, क्या आप उसका बैलेंस निकालते हो? उसका बैलेंस नहीं निकालते हो। सैलरी आउटस्टैंडिंग का निकालते हो लेकिन सैलरी का नहीं निकालते। सैलरी का जो टोटल बैलेंस है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हो? दैट इज ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, मेरे लेजर्स जो जिनका बैलेंस नहीं निकल रहा वो लेजर क्लोज हो गए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक, रेंट का आपने एक्सपेंस पे किया, क्या वो भी मैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ? यस। परचेजेस, पूरे साल की परचेज रिकॉर्ड कर ली, डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर, पूरे साल के लेजर में डेबिट साइड पर परचेजेस परचेजेस आ गई। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बाय बैलेंस शीट करते हो? जब आप लेजर बनाते हो परचेजेस का, एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये एंट्री का इफेक्ट यहीं पर। एंड ऑफ द ईयर क्या कोई बैलेंस शीट ही निकलता है? बैलेंस निकालते हो? निकलता है। किसी भी एक्सपेंस के लिए देख लो आप, किसी नहीं आता है, लायबिलिटीज के आते हैं। कोई भी एसेट और लायबिलिटी ले लो, कोई भी एसेट और लायबिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, क्रेडिटर, क्या कहते हैं आपका बैंक का बैलेंस, ठीक, और जो भी आपके लोन हो गए, कैपिटल हो गए, दीज ऑल आर बैलेंस्ड। इन सबको मैं बैलेंस करता हूं एट द एंड ऑफ द ईयर कि क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं और उन्हीं बैलेंसेस को मैं बैलेंस शीट में लिखता हूं। लेकिन जो भी मेरे इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं दोज आर ट्रांसफर टू इधर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर। जो लेजर क्लोज हो गए हैं उनका मतलब क्या है? वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है वॉइस? एम आई एबल नाउ? बस मैं अपनी छोटी सी बात करके पूरा करता हूं। सो लेजर्स क्लोज करने का मतलब क्या है? उनके क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाले जाते हैं, दे आर ट्रांसफर टू इधर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितने भी मेरे असेट्स और लाइबिलिटीज है उनको बैलेंस किया जाता है, दे आर नॉट टेम्परेरी। और असेट्स और लाइबिलिटीज वाले अकाउंट कौन सी क्लासिफिकेशन में थे? या तो पर्सनल में थे या फिर रियल में थे। ठीक, इन्हीं दो जगहों पर थे। तो जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स है उनको मैं क्या करता हूं? उनको मैं बैलेंस करता हूं। और जो नॉमिनल अकाउंट्स है दोज आर क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर, दे आर ट्रांसफर्ड, दे आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस अमाउंट टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयरफॉर दीज आर टेम्परेरी अकाउंट। क्या ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन याद हुई है, समझ में आई है? पर्सनल हो गया, रियल हो गया और नॉमिनल हो गया। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक, असेट और लाइबिलिटी दोनों हो सकते हैं, जो कि हमारे पास नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव तीनों हो सकते हैं। फिर इसके बाद में रियल अकाउंट्स रिप्रेजेंट ओनली असेट्स, वो खाली असेट्स को बिलोंग करते हैं। और जो मेरे नॉमिनल अकाउंट्स है दोज आर रिलेटेड टू इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। इसके ऊपर और फर्दर चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, अभी मेरे को इसका रूल भी आप लोगों को बताना है, तो यहां पर आपके वो वाले रूल्स आते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रट्टे लगाए तो खूब जबरदस्त दबा के स्कूल के टाइम पे, ये 11th में बैठ के डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट करा था, हमने भी किया था। ठीक, बट अब की बार समझ के थोड़ा सा चीजों को करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्लास इतनी रख रहा हूं। ठीक, और इसी चैप्टर को आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी।
तो अगर क्लास अच्छी लगी है देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अभी के लिए क्लास हम इतनी रख रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, आप लोगों की क्लास अब सिंस हमारी क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई है, आगे तक चली गई है, सो अभी शायद 15 मिनट के डिले के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो 20 मिनट मैंने आपके लिए हैं वो आपका हर्जाना नहीं होगा, वो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू, विल स्टार्ट आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक।